हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था आपके लिए, जिसमें आपको एक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे कि हम न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, एपेटाइट किसको कहते हैं, मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं और डाइजेशन क्या होता है। आज बात करते हैं हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। फ्रेंड्स, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है। आप स्लाइड पर देख सकते हैं, तो मैंने दो पार्ट लिखे हुए हैं। पहला जो पार्ट है वो है फ्रेंड्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का। जो फर्स्ट पार्ट है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का। ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का पार्ट है, ये इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, और जो दूसरा है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को बनाते हैं। और ये जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, इसको हम कैनाल क्यों कहते हैं, इसको कैनाल क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए, इस कैनाल में दो ओपनिंग्स होती हैं, एक जिसको आप माउथ ओपनिंग कहते हो और एक जिसको आप एनस कहते हो। इसीलिए हम इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और इसकी जो शुरुआत है फ्रेंड्स, वो फाइलम एनिलिडा से होती है। फाइलम एनिलिडा में आप देखते हो कि ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्स, ये दोनों मिलकर बनाते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को। फिर हम इसको कैनाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इट हैज टू ओपनिंग्स, मींस इट हैज वन ओपनिंग जो आप कह सकते हो माउथ की ओपनिंग, और जो दूसरी ओपनिंग है वो है एनस। ठीक है, ये दो ओपनिंग्स हैं, माउथ एंड एनस, टू ओपनिंग्स माउथ एंड एनस, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। इसीलिए इसको हम ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं कुछ एसेसरी ऑर्गन्स की जो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा होते हैं। आप जिसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी एसेसरी पार्ट्स का ही हिस्सा हैं, और ये हैं एसेसरी ऑर्गन्स। अगर हम बात करें तो ये हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज। ओके, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। आइए हम आज पहले बात करते हैं कि ये जो हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी अगर हम सीक्वेंशियली जाएँ, स्टेप बाई स्टेप जाएँ, तो सबसे पहले कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो चलिए हम इसको देखते हैं एक स्लाइड से। पहले हम स्लाइड को लाते हैं अपने पास, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये एनसीईआरटी का फिगर है, बिल्कुल एनसीईआरटी से मैंने लिया है, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी ही आपके लिए सब कुछ है। आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। कई लोग बोलते हैं एनसीईआरटी में बहुत कुछ नहीं दिया है, वो ये जो भी ये बात बोलते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। और हर जो आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है, वो एनसीईआरटी की लाइन से ही होगा। तो यही बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एनसीईआरटी के लाइंस को रीड करना, रीड बिटवीन द लाइंस, नॉट रीड द लाइंस, रीड एंड लर्न बिटवीन द लाइंस। ये नहीं कि आपने एक लाइन पढ़ लिया, आपको एनसीईआरटी समझ में आ गई, आपको उसमें देख के लगेगा अरे एनसीईआरटी में बस इतना ही है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं पहले माउथ से। माउथ, ठीक है, ये आपका माउथ हो गया। और ये जो माउथ है, आप देख सकते हो कि इसके जो दोनों साइड में, बाहर और बाहर के साइड में एक्सटर्नली, आपके ऊपर एक लिप्स होते, एक स्ट्रक्चर होती है और एक नीचे होती है, जिसको हम लिप्स कहते हैं। तो दिस माउथ इज गार्डेड बाय लिप्स, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, ठीक है। और ये जो माउथ है, ये एक्चुअली एक स्लिट है। स्लिट मतलब ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग है। जैसे मान लो ये, मैं छोटा सा आपको बना दूं एक, ये मान लीजिए ये हो गई अपर लिप, ये अपर लिप हो गई, ये हो गई लोअर लिप, ये लोअर लिप हो गई, और ये जो आप देख रहे हैं ये बीच में जो जगह है, इसको हम बोलते हैं माउथ। इसी को हम बोलते हैं माउथ, ये जो बीच में जगह आपको दिखी, इसी को माउथ बोलते हैं। ओके, अब माउथ के साइड और भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला कि इट इज गार्डेड बाय एक्सटर्नली गार्डेड बाय अपर लिप एंड लोअर लिप, एंड इट इज ऑल्सो गार्डेड बाय गम्स एंड टीथ इंटरनली, अंदर टीथ और गम्स भी हैं। ओके, अब माउथ के बाद आपको क्या दिखेगी, माउथ के बाद हमको एक कैविटी दिखेगी जिसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, इसी को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बकल कैविटी। अब आगे बढ़ेंगे तो बकल कैविटी में एक रीजन है जिसमें आप यहां देख सकते हो लिखा हुआ है फैरिंग्स। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बकल कैविटी और ओरल कैविटी, ये एक ही चीजें हैं।
और बकल कैविटी और फेरिंग्स, अगर हम बकल कैविटी और फेरिंग्स को जोड़ दें, अगर फेरिंग्स को और ये ओरल कैविटी या बकल कैविटी इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमारे लिए एक वर्ड निकल कर आएगा और इसको हम कहेंगे बक्को फेरिंजियल कैविटी। अब देखिए फेरिंग्स के बाद जो स्ट्रक्चर आया वो कौन सा स्ट्रक्चर है, ईसोफेगस। ये हम बिल्कुल ऑर्डर में जा रहे हैं, तो एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो जा रहा है ये ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टमक है। स्टमक के बाद अगर हम बात करें अपने मेन एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स की पहले, तो स्टमक लीड्स टू इंटेस्टाइन। कौन सी इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। दो तरह की इंटेस्टाइन है, स्मॉल एंड लार्ज। तो आप ये देख रहे हो ये ड्यूडेनम, आपको दिख रहा होगा ये ड्यूडेनम है, ठीक है। फिर आपको जेजनम दिख रहा होगा, फिर आपको जो है इलियम दिख रहा है। सो ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम एंड आपको कोलन भी दिख रहा है, ये देखिए कोलन, इलियम, सीकम दिख रहा है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स दिख रहा है। ये सब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, तो इनको हम देखेंगे। तो हमको आपको सीक्वेंस बताना था, तो सीक्वेंस में क्या हो गया, ओरल पहले माउथ कैविटी, माउथ कैविटी के बाद बकल कैविटी या ओरल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, फॉलोड बाय स्टमक, स्टमक फॉलोड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है ये जो अंदर आप देख सकते हैं, एंड देन फॉलोड बाय लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है, एंड देन फॉलोड बाय रेक्टम, ये रेक्टम है, एंड देन इट ओपन्स आउटसाइड, ये बाहर की तरफ खुलता है, जिसको हम कहते हैं एनस। और इसीलिए हम इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, क्योंकि देखिए एक ओपनिंग ये रही और दूसरी ओपनिंग ये रही। इसकी शुरुआत जो होती है वो किस फाइलम से होती है, एनीलिडा, मैंने बताया था आपको, एनीलिडा। इसकी शुरुआत जो होती है वो एनीलिडा से होती है। ओके, क्लियर। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं एक बार जी। तो ये था हमारा पहला स्लाइड, और दूसरा स्लाइड में हम चलते हैं। ये हमारा माउथ जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था डायग्राम से, अभी आप देखो मैंने बोला था कि नैरो स्लिट बाउंडेड एक्सटर्नली बाय लिप्स, एंड इंटरनली बाय गम्स एंड टीथ, तो एक्सटर्नली लिप्स से, लिप्स अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, और इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। सो माउथ हैज टू पार्ट्स, माउथ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक ऐसा पार्ट जो कोई एक नैरो स्लिट है, माउथ के दो पार्ट्स हैं, एक नैरो स्लिट वाला और एक अंदर का पोर्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। पहला जो माउथ का पार्ट है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल किसको बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं कि जो स्लिट होती है और जिसके एक्सटर्नली लिप्स होती हैं और इंटरनली उसमें गम्स और टीथ होते हैं, इसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं माउथ का। और जो नेक्स्ट पोर्शन है, जो इनर पोर्शन है, वाइड एरिया है, बिल्कुल वाइड एरिया, उसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी या बकल कैविटी, या उसको बोलते हैं माउथ कैविटी प्रॉपर, किसी भी नाम से हम इसको बोल सकते हैं। सो माउथ हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी और बकल कैविटी और माउथ कैविटी प्रॉपर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिए मैंने आपको बताया है बकल कैविटी और बकल कैविटी के एसोसिएटेड पार्ट्स के बारे में। तो बकल कैविटी को हम लोग देखते हैं, बकल कैविटी जो है वो तीन पार्ट से मिलकर बनी हुई है। जैसे मान लीजिए कि बकल कैविटी को आप अपना एक रूम समझिए, आप जिस एक अपने घर का जो रूम होता है उसको समझिए। आपके रूम में रूफ्स होती हैं ऊपर की तरफ रूफ्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं, करेक्ट है, रूफ होता है। फिर फ्लोर भी होता है आपके रूम में, एक फ्लोर होता है, एक रूफ होता है, और दो साइड्स में वॉल्स भी होती है ना, दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में वॉल होती है। तो ये जो साइड्स हैं, ये रूफ है, साइड है, फ्लोर है, ये तीनों मिलकर बकल कैविटी बनाता है। बकल कैविटी पार्ट ऑफ माउथ, इट्स अ पार्ट ऑफ माउथ, ठीक है। तो बकल कैविटी में रूफ है, साइड्स हैं, फ्लोर हैं, और इसको समझने के लिए मैंने आपको बोला आप अपने रूम, घर के रूम को समझिए कि बकल कैविटी है। तो घर के रूम में एक बहुत बड़ा जगह आपको मिलता है ना, बहुत बड़ी जगह दिखती है आपको, ऊपर के साइड में जहाँ पे आप पंखा लटकाते हैं उसको रूफ कहते हैं, नीचे फ्लोर होता है, और दोनों साइड्स में आपको वॉल दिखती हैं। तो द बकल कैविटी कंसिस्ट ऑफ रूफ, साइड्स एंड फ्लोर। अब ये जो रूफ है बकल कैविटी का, इसको हम एक टेक्निकल टर्म देते हैं, इसको हम कहते हैं पैलेट, पैलेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं, ठीक है,
इसको पैलेट बोलते हैं। एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड, ये जो पैलेट है इसका एक एंटीरियर वाला हिस्सा है और एक पोस्टीरियर वाला हिस्सा होता है, ठीक है। इस पैलेट का एक एंटीरियर वाला हिस्सा होता है और एक पोस्टीरियर साइड में होता है। एंटीरियर समझते हैं ना, आगे की तरफ, और पोस्टीरियर पीछे के साइड में। एंटीरियर वाला हिस्सा जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, एंटीरियर वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, और जो पीछे के साइड में होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। एंटीरियर वाला हिस्सा क्या होता है, हार्ड, एंड द पोस्टीरियर वन इज सॉफ्ट। एक हार्ड पैलेट होता है, एक सॉफ्ट पैलेट होता है। आपने महसूस किया होगा कि जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है, इस एंटीरियर वाले पार्ट पर आपको कुछ रिजेस यानी कुछ रफ सर्फेसेस दिख रहे होंगे, फील कर रहे होंगे आप। अगर आप अपने टंग को ले जाएं एंटीरियर साइड पे, तो आप फील कर सकते हैं कि कुछ हार्ड रूफ है आपका, आपका आगे वाला जो हिस्सा है वो रूफ का वो हार्ड है। इस ये मस्कुलर होता है, और इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स रिजेस। ये जो रिजेस होते हैं किसके ऊपर, ये होते हैं एंटीरियर पैलेट के ऊपर, इसको हम ट्रांसवर्स रिजेस कहते हैं। ये ट्रांसवर्स रिजेस को एक टेक्निकल टर्म देते हैं, जैसे मैंने आपको रूफ के लिए एक टेक्निकल टर्म दिया पैलेट, उसी तरीके से हम टर्म देंगे ये ट्रांसवर्स रिजेस के लिए, और हम कहेंगे कि ये क्या है, रुगी। रुगी ट्रांसवर्स रिजेस को हम रुगी कहते हैं, या पैलेंटाइन रुगी, पैलेंटाइन रुगी। ये रुगी जो होती है ना कार्निवरस एनिमल्स में बहुत डेवलप्ड होती है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है। ये रुगी जो है फ्रिक्शन रिड्यूस करती है, तो उनको हेल्प करती है फूड को अचीव करने में, इसको आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है सॉफ्ट पार्ट ऑफ द पैलेट। पीछे के साइड में अगर हम अपने माउथ में देखेंगे, पीछे के साइड में, तो हमको एक सॉफ्ट पोर्शन फील होगा, और ये हैंगिंग स्मॉल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये हैंगिंग स्मॉल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये पीछे के साइड में। हाइंड, ये हिंद नहीं है, हाइंड पार्ट है ये। हाइंड मतलब पीछे का साइड, पोस्टीरियर एंड। और ये जो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो लटकता है, यानी आपका जो पैलेट है, ध्यान से समझिए, जो पैलेट है वो पीछे के साइड जाकर, पीछे के साइड जाकर लटक जाता है, नीचे नीचे लटकता है, नीचे लटक जाता है। और इसी को, ये फ्लैप लाइक आप इसको समझ सकते हैं, इसी को हम कहते हैं उवूला, UVULA, आई हैव रिटन हियर, उवूला। इसी को हम क्या कहते हैं, उवूला कहते हैं, इसी को हम उवूला कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, रूफ कंसिस्ट, रूफ को क्या कहते हैं टेक्निकली, रूफ को हम कहते हैं पैलेट, और एंटीरियर हिस्सा होता है और पोस्टीरियर हिस्सा होता है इस पैलेट का, वो कौन होता है, वो होता है हार्ड एंड सॉफ्ट, उसको रुगी बोलते हैं आगे वाले को, और पीछे वाला जो लटक जाता है उसको बोलते हैं उवूला। साइड्स में तीत प्रेजेंट होते हैं, तीत के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, तीत का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ भी रखा है, हम और डिटेल में पढ़ेंगे तीत के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लोर। फ्लोर, अब फ्लोर पर क्या है, फ्लोर पर होती है आपकी टंग, आपकी जो टंग होती है वो फ्लोर पर होती है, आपकी टंग जो होती है वो फ्लोर पर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ और बता दूं, ये जो टंग जो फ्लोर पे होती है ना, ये टंग एक स्ट्रक्चर से अटैच होती है, आपके बकल कैविटी के फ्लोर से ये जो टंग होती है ये एक स्ट्रक्चर से अटैच होती है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रेनुलम, फ्रेनुलम, और लिंगुअल फ्रेनुलम, लिंगुअल फ्रेनुलम, ओके। एंड टंग को कभी कभी हम एक और टर्म देते हैं, हम कहते हैं लिंगुआ, टंग को हम लिंगुआ कह सकते हैं। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो बच्चे होते हैं ना, उनमें कभी कभी वो बच्चों को बोलने में, जब उनका जन्म होता है तो उस समय देखा जाता है कि उनकी जो कभी कभी जो लिंगुअल फ्रेनुलम है वो बहुत छोटी हो जाती है, वो अपने टंग को प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते लिंगुअल फ्रेनुलम के एबनॉर्मल होने की वजह से, और इस वजह से वो बोल नहीं पाते हैं। तो इसको हम सर्जिकली या ट्रीट करके सही कर सकते हैं, ओके, क्लियर है। चलिए अब अपने आगे वाली स्लाइड्स पे चलते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको माउथ के बारे में डिस्कशन कर दिया था। ये देखिए, यही स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाह रहा था, इस स्ट्रक्चर में आप अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये है लिप्स, आपका अपर लिप्स, ये आपका लोअर लिप्स, ये आपका अपर लिप्स, ये आपका लोअर लिप्स, और ये जो स्लिट है, आप एक ये स्लिट देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्लिट जो आप देख रहे हैं, तो ये जो हिस्सा है वो, और अंदर की तरफ आपको गम्स दिख रहे हैं, ये गम्स और टीथ वगैरह, जॉज वगैरह ये सब दिख रहे हैं, ये ही को हम कहते हैं माउथ, इसी को हम कहते हैं, सॉरी, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, माउथ, वेस्टिब्यूल इज अ पार्ट ऑफ माउथ, वेस्टिब्यूल इज अ पार्ट ऑफ माउथ, वेस्टिब्यूल पार्ट ऑफ माउथ है। तो अब देखिए आगे क्या मैंने बताया था, मैंने आपसे कहा था कि एक फ्लोर होता है, ये देखिए फ्लोर पर ये क्या है, टंग है, ये टंग है, ये फ्लोर पर टंग है आपको दिखी,
क्लियर है। फिर रूफ होता है, तो रूफ क्या है, ये वाला हिस्सा रूफ है, ये हिस्सा रूफ है, ये सब रूफ है, दिस इज द रूफ ऑफ द माउथ। ओके, अब रूफ में जो आगे वाला हिस्सा यानी इस साइड में अगर हम देखें, इस साइड में ये जिधर मैं एरोज दिखा रहा हूँ, इस साइड अगर हम देखें तो हमारा जो रूफ है वो पैलेट जिसको हम बोलते हैं, तो आगे साइड में वो हार्ड ट्रांसवर्स रिजेस के साथ होता है और पीछे के साइड में वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और ये देखिए पीछे के साइड में पोस्टीरियरली ये लटक रहा है ऐसे, ये देखिए ये ऐसे जाके लटक गया ना, यही जो स्ट्रक्चर है इसी को हम ओवुला कहते हैं। ये जो लटका हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये ओवुला है, इसी को हम ओवुला कहते हैं। ओके, चलिए अब इस डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम जो है आपको बहुत क्लियर मैंने आपको दिखाया इस डायग्राम से। आप देखिए कि आपको ओवुला दिख रहा है, आप ओवुला देख सकते हैं ना, यू कैन सी ओवुला, ये रहा ओवुला, आप देख सकते हैं जो मैं कह रहा हूं बस उसी को आप नजर डालिए, ओवुला आप देख सकते हैं। और ओवुला के बाद और क्या आप देख सकते हैं, ओवुला के बाद आप अपर लिप देखिए, देन लोअर लिप देखिए, ठीक है। ये देखिए ये टंग है, ये टंग उठाई गई है, ऊपर लिफ्ट की गई है और आपको नीचे एक स्ट्रक्चर यहां नजर आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, इसी को बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम, ये इसी से अटैच होती है आपकी टंग। ये देखिए आपकी टंग जो है एक स्ट्रक्चर, ये फ्लोर से, ये फ्लोर है, ये फ्लोर है और ये फ्लोर से ऐसे अटैच्ड है, इसी को लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे डक्ट्स खुलते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे सब मैंडिबुलर डक्ट खुलता है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स, जब बढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको अच्छे से। इनर साइड में चीक होती है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्लियर है। तो ये देखिए हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट ऊपर के साइड में है, सॉफ्ट पैलेट ये नीचे गया, लटक गया ऐसे, और जैसे ही लटका इसको आप क्या कहते हो, इसी को आप ओवुला कहते हो, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। आइए सेजाइटल सेक्शन देखते हैं, इसका सेजाइटल सेक्शन, सेजाइटल सेक्शन ऑफ योर माउथ एंड बकल कैविटी एंड ऑल। अब यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पर आप देख सकते हो, ध्यान से देखो, आप यहां पे देख रहे हो कि ये आपको एक लटका हुआ स्ट्रक्चर ओवुला नजर आ रहा है, ये ओवुला, ये सेजाइटल सेक्शन है, ये आपका सेक्शन ऐसे काटा गया है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये ओवुला आपको दिख रहा है, ओवुला दिख गया। फिर आपको ये देखिए ये पीछे के साइड में सॉफ्ट पैलेट होता है ना, और यही सॉफ्ट पैलेट ऐसे लटक जाता है नीचे के साइड में, उसी को ओवुला कहते हैं। ये हिस्सा आपका हार्ड पैलेट का हिस्सा है, दिस इज हार्ड पैलेट, आगे की साइड में क्या है, हार्ड पैलेट है, क्लियर। यही आपका क्या है, रूफ, इसी को रूफ कहते हैं, जो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट है, क्लियर है, क्लियर, ओके। और ये देखिए ये टंग है, ये टंग को एक साइड से उठा के दिखाया गया, ये दिस इज टंग, ये सब आपका टंग का अंदर नीचे का पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है, टंग है, ठीक है, जो कि फ्लोर बनाता है, जो कि क्या बनाता है, फ्लोर बनाता है, टंग मेक्स फ्लोर। और ये देखिए वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल क्या बताया था मैंने, वेस्टिब्यूल है ये लिप्स, गार्डेड बाय लिप्स, लिप्स, दिस इज अपर लिप, जिसको लेबियम कहते हैं हम लोग टेक्निकली, अपर लिप को हम अपर लेबियम कहते हैं, देन लोअर लिप, लोअर लिप को हम लोअर लेबियम कहते हैं। तो ये लिप्स हो गए अपर, एंड देन ये गम हो गया, टीथ हो गया, गम एंड टीथ, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो वेस्टिब्यूल आपको क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये बकल कैविटी है, दिस इज बकल कैविटी, ये बकल कैविटी है, क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरी वन, ओके। तो ये कुछ डायग्राम्स के मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, और मैंने आपको ये बकल कैविटी और वगैरह के बारे में बताया। ये देखिए एक चीज़ और है, बकल कैविटी जो है, अगर हम बकल कैविटी और फेरिंग्स को एक साथ लेके स्टडी करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बको फेरिंगियल कैविटी, बकल कैविटी प्लस फेरिंग्स। फेरिंग्स जानते हैं क्या होता है, फेरिंग्स तो वैसे फिर से बताऊंगा, लेकिन फेरिंग्स होता है कि जब हमारा बकल कैविटी यानी वाइड कैविटी, माउथ के अंदर जो कैविटी है, जब खुलती है, तो वहाँ पे एक चैम्बर दिखता है जहाँ ओवुला लटक रहा होता है, ये चैम्बर वहीं होता है। और आपकी जो नोज की एंट्री है और जो आपकी माउथ की एंट्री है, आपकी जो ये नोज की एंट्री है और जो माउथ की एंट्री है, ये दोनों एंट्री जाकर एक जगह मिलती हैं, ये दोनों एंट्रीज जो हैं एक जगह जाकर मिल जाती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं फेरिंग्स। और कहते हैं कि फेरिंग्स इज द कॉमन चैम्बर फॉर एयर
एंड फॉर एयर एंड फूड, आप जब एयर लेते हो तो वो फेरिंग से क्रॉस करके आपके विंड पाइप में जाता है। आप जो फूड खाते हो वो भी उसी फेरिंग से होकर फूड पाइप में जाता है। यानी विंड पाइप और फूड पाइप के जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं। इसी कॉमन चैम्बर को हम फेरिंग्स कहते हैं। इसी कॉमन चैम्बर को हम फेरिंग्स कहते हैं। ओके, क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू एवरीथिंग? तो फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत सारी और भी बातें बताऊंगा। हम लोग बकल कैविटी देख चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम टीथ और टंग के बारे में देखेंगे। कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कुछ मुझे मैंने छोड़ दिया है, और मैं उसको अभी आपको बता देता हूँ कि जो हमारा ये, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये उवला, या ये जो उवला है इसका काम क्या है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दिस उवला, इस उवला का क्या काम है। ये मैंने आपको रियुगी बता दिया। रियुगी हेल्प्स इन होल्डिंग द फूड, जो आप खाना मुंह में लेंगे तो होल्ड करने में आसानी रहे। इसीलिए जो कार्निवोरस होते हैं उनकी जो रुगी होती है वो डेवलप्ड होती है। पेलेंटाइन रुगी इज हाईली एंड हाईली एंड हाईली डेवलप्ड इन कार्निवोरस एनिमल्स। ओके, समझ में आया? उवला, ये जो उवला है जो ऐसे जाकर आपकी पैलेट नीचे जाकर ऐसे लटक जा रही थी, तो ये जो यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां पर मैं आपको एक चीज और बता रहा था। तो यहां पर मैं आपको बता रहा था कि ये जो उवला है ये आपकी पैलेट आई पीछे के साइड ऐसे और ये नीचे लटक गई ऐसे, ठीक है? तो अब आप जो आपका जो फूड होगा, ये उवला जो है आपके फूड को आपके इंटरनल नॉस्ट्रिल में नहीं जाने देता है। आपकी इंटरनल नॉस्ट्रिल क्या होती है? आपकी इंटरनल नॉस्ट्रिल होती है, मान लीजिए कि ये आपकी बाहर वाली नॉस्ट्रिल है, नोज की जो ओपनिंग होती है उसको नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो ये बाहर की दो ओपनिंग्स हो गई नॉस्ट्रिल की, और ये अंदर गई ऐसे, ये अंदर ऐसे जाएंगी, ये वाली जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल। दिस इज इंटरनल, दिस इज एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल नॉस्ट्रिल है। अब जो आपका फूड आएगा यहीं पर फेरिंग्स है, यहां पर क्या है, फेरिंग्स है। यहां जब मैं जो लाइन बनाया हूं ये फेरिंग्स यहीं पर प्रेजेंट है। अब आपका फूड है जो आके कहां जाना चाहिए, फूड पाइप में इधर चला जाना चाहिए ना, लेकिन अगर कहीं ये इधर चला गया तो आपके नोज के अंदर वो ठीक नहीं है, ठीक है ना? इसीलिए ये उवला क्या करती है, आपके फूड को सही रास्ता दिखाती है, आपके फूड को नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल के तरफ जाने से रोकती है, और आपके फूड को फूड पाइप के तरफ जाने के लिए रास्ता बताती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप आज जो भी मैंने पढ़ाया इसको फिर से आप अपने को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। फिर मिलेंगे हम अपने थर्ड वीडियो में जो कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का टॉपिक 3 होगा। Thank you very much.